मेरा नाम अलिशा है और मैं दुतरान पलोस की कैंडिडेट हूँ हमारे लिए आज के अंजेल बा मुताबक मुक़दस योहाना तीसरा बाप सोलहवीं से इक्कीसवीं आयत क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दे बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से न जा पाए जो उस पर ईमान लाता है उस पर फतवा ना दिया जाएगा बल्कि लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर फतवा हो चुका क्योंकि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान ना लाया और फतवा यह है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तरीकी को नूर से ज़्यादा प्यार किया क्योंकि उनके बुरे काम थे क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के नज़दीक नहीं आता ऐसा ना हो कि उसके काम नुमाया हों मगर वो जो सदाकत पर अमल करता है नूर के नज़दीक आता है ताकि उसके काम नुमाया हों क्योंकि वो खुदा में किए गए हैं पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की ख़ास बरकत हो खुदा का शुक्र हो मसीह खुदावन में अज़ीज़ भाइयों और बहनों खुदा रहीम और मेहरबान है खुदा की मेहरबानी और शफकत का अंदाज़ा हम इन में लगा सकते हैं जब उसका इकलौता बेटा हमारा निजात दहिंदा फतह के साथ मुर्दों में से जी उठा और हमारे लिए दी ज़िंदगी का दरवाज़ा खोल दिया एक लतीनी मिसल है कि मोर विटामिया, वी वीता मिया यानी कि तेरी मौत मेरी ज़िंदगी है और ये वाकई हम अपनी मसीही ज़िंदगी में इस बात का तजर्बा करते हैं कि यसु, यसु की स्लीबी कुर्बानी और उसका जलाली उठना हमें ज़िंदगी देता है ना सिर्फ़ ज़िंदगी बल्कि कसरत की ज़िंदगी से हमें मामूर करता है और हमें चाहिए कि हम इस पाशकई भेद की गवाही दें और इसमें अपनी ज़िंदगी को गुजारें जिस तरह आज की पहली तलावत हमारा ईमान मजबूत करती है कि हमने जिंदा यस्सु की गवाही हर हाल और सूरत में देनी है यस्ु के मसलूब हो जाने के बाद अगरचे शागिद डर गए और मायूस हो गए थे लेकिन यस्सु उन्हें फिर भी तसल्ली देता है उन्हें अपने जहूर से याद करवाता और हौसला देता है और इसीलिए अब शागिद रलकदस् से फजल पाकर बड़ी दलेरी और जज्बे के साथ ईस्टर की तालीम और गवाही दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस बात का अब तजर्बा कर लिया है कि खुदांदार हकीकत मुर्दों में से जी उठा है जिजो हम भी अपनी जिंदगी में जिंदगी से डर और खौफ को निकाल सकते हैं अगर हमने जिंदा खुदावंद का तजर्बा किया हुआ है जिंदा यसु का तजर्बा हमें ज़िंदगी से मामूर करता है हमें नई जिंदगी की तरफ लेके जाता है हमें खुदा की कुदरत और ख़ुदा की बेपना प्रकाज से मालामाल कर सकता है क्योंकि वो हर रोज़ हमें यही कहता है कि डरो मत आज हम अपने खौफ और डर से आज़ाद होकर आज़ादी और ईमान की भरपूरी ईमान की भरपूर ज़िंदगी गुजारें जिस तरह शागिद भी ईमान से भरपूर होकर जिंदगी से भरपूर होकर यस्ू की गवाही देते हैं अब ना उन्हें कैद और ना ही यहूदियों का खौफ है बल्कि उनके जहनों में सिर्फ अब जिंदा यस्सु ही समाया हुआ है अनजील मुक़दस में यस्सु निकोदीमस को बताता है कि खुदा ने दुनिया को इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए यस्सु हमें खुदा की लाजवाल और ला महदूद मोहब्बत के बारे में बता रहा है कि खुदा किस तरह अपने लोगों को और अपनी चुनी हुई कौम को प्यार करता है पुराने हद में खुदा मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहा कभी इब्राहिम को चुनकर कभी मूसा के ज़रिए लोगों को बचा कर कभी काज़ियों के ज़रिए बादशाहों के ज़रिए खुदा मुख्तलिफ़रीक़ों से अपनी मोहब्बत दिखाता रहा और अपने लोगों को बचाता रहा लेकिन नए अहदनामे में खुदा की मोहब्बत का अरूज हम कलमा मुतजस्सद के भेद में देख सकते हैं कि खुदा अपना आप ही हम इंसानों को दे देता है कलमा मुतजस्सद हुआ और हमारे दरमियान रहा यह खुदा की मोहब्बत का अरूज है मर्जिजो खुदा अपने आप को हमारे लिए पेश कर देता है ये याम खुदा की मोहब्बत का सच्चा सबूत है जब वही कलमा जो मुतजस्सद हुआ हमारे दरमियान रहा और हमारे लिए असली पर जान देता और मुर्दों में से फतह के साथ उठता है आए खुदा की मोहब्बत के हमेशा शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि इसी मोहब्बत से हमें ज़िंदगी और अबदी नजात मिलती हैं आए हमेशा खुदा की बंदगी और प्रस्तिश करते रहें मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन